कांग्रेस शासित राजस्थान की अर्थव्यवस्था चौपट होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। इसके कारण राजस्थान सरकार को जेट विमान खरीदने का सौदा रद्द करना पड़ गया है। गहलोत सरकार की नाकामी को जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहां की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अशोक गहलोत राजस्थान में अवैध रेत खनन पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। इसके कारण भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। दरअसल करीब 3.5 लाख करोड़ के कर्ज भार में डूबी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जेट विमान खरीदने का फैसला वापस ले लिया है। पहले गहलोत सरकार ने गुजरात की तरह जेट विमान खरीदने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार के खराब आर्थिक स्थिति के कारण सीएम ने डेमो कंपनी से करीब 214 करोड़ रुपए में मिड साइज जेट विमान खरीदने से इनकार कर दिया है। जनवरी में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने डेमो कंपनी से विमान खरीदने को हरी झंडी दी थी। मंत्रियों की समिति ने भी विमान खरीदने पर सहमति जताई थी, लेकिन बढ़ते कर्ज भार के कारण प्रदेश के कारण अब विमान खरीदने का निर्णय टाल दिया गया है। बता दें कि 10 एग्जीक्यूटिव क्लब सीट वाले मल्टी इंजन विमान की लिस्ट प्राइस करीब $29.95 मिलियन यानी करीब 214 करोड़ में खरीदने पर सहमति बनी थी। राज्य सरकार की उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने 9 जनवरी को मिड साइज जेट विमान खरीदने के लिए डेमो एविएशन कंपनी की तकनीकी बिड को मंजूर कर लिया था। विमान खरीदने के लिए सिविल एविएशन निदेशालय ने पिछले साल 15 अक्टूबर को जो टेंडर जारी किए थे उसमें डेमो, बोम्बार्डिक, टेक्ट्रॉन, गल्फ स्ट्रीम और एमरर ने हिस्सा लिया था। गहलोत सरकार ने पुराने AC-90 विमान को बेचने का निर्णय लिया था। पुराने अगस्ता हेलीकॉप्टर की कीमत का फिर से मूल्य लगाकर बेचने का भी अनुमोदन किया गया था। अगस्ता हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए पहले 5 बार बिडिंग हो चुकी है, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया, तो अब इसकी कीमत का फिर पूर्ण मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो नई कीमत तय होगी उसके आधार पर ग्लोबल बिडिंग की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में तत्कालीन सीएम गहलोत को ले जाते समय सरकार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब से ये जयपुर स्टेट हैंगर पर खड़ा है। राज्य सरकार का अपना कोई विमान नहीं होने के कारण राज्यपाल और मुख्यमंत्री किराए के विमान से यात्रा करते हैं। इस पर प्रति यात्रा 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा सरकारी खजाने पर आता है। राज्य सरकार एक साल में 50 लाख रुपए से अधिक का भुगतान निजी विमान कंपनी को कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत सरकार गंभीर नहीं हो रही है और राजस्थान को कंगाल बनाती जा रही है। कांग्रेस शासित राजस्थान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी खजाने के ऊपर बढ़ते बोझ के कारण अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।